मथुरा से है। संस्कृति विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त बासमती निर्यात हेतु एक दिन कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। संस्कृति विश्वविद्यालय में गुणवत्ता पूर्व बासमती निर्यात हेतु जागरूकता कार्यालय का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सचिन गुप्ता, कार्यशाला में किसानों को प्रशिक्षण देने आए वैज्ञानिकों द्वारा सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात कुलाधिपति सचिन गुप्ता ने सभी वैज्ञानिकों का शोल व शील प्रदान करते हुए स्वागत किया। इसके बाद प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा ने सेमिनार हॉल में आए सभी किसानों को बासमती की खेती करने के गुण सिखाए व किसानों को उचित समय पर पानी व दवाई कैसे खेत में डाला जाए उसके भी गुण किसानों को वैज्ञानिक द्वारा सिखाए गए। वहीं कुलाधिपति सचिन गुप्ता ने किसानों को संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर रजनीश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया, बासमती उगा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। मैं कुछ बातें इसमें से और कुछ सीधे जैसे आपका मन करेगा वैसे करूँगा। थोड़ा सा समय मैं लूंगा और शुरुआत में यहाँ से करना चाहूंगा कि पहले बासमती से माला, शॉल एवं स्मृति चिन्ह के साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री रितेश शर्मा जी का बहुत ही सुंदर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि जी का। जो ये हमारा क्षेत्र है नॉर्दर्न इंडिया का, ये 7 स्टेट्स में है, यहाँ पर बासमती की खेती हजारों सालों से होती आई है। अभी पहले हम अपने देश के लिए ही उत्पादन करते थे। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा उत्पादन इतना नहीं था कि हम देश का पेट भर सकें, लेकिन आज हमारे पास में बासमती का सरप्लस है, चावल का सरप्लस है, गेहूँ का सरप्लस है। तो अभी हम पूरी दुनिया में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो मुकाबला है एक्सपोर्ट करने का वो पाकिस्तान से है। दुनिया में केवल दो ही देश हैं जो बासमती चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुनिया के 155 देशों में हमारा बासमती जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, पिछले 10 साल से, कि हमारे जो बासमती है उसकी कीमत दुनिया के मार्केट में घट रही है। उसका कारण यह है कि दुनिया के मार्केट के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत के जो किसान हैं वो अपने बासमती उगाते समय ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं। तो आज हमारे यहाँ संस्कृति विश्वविद्यालय में कई साइंटिस्ट आए हैं, वो किसानों को ये सिखा रहे हैं कि बगैर केमिकल यूज किए अपने बासमती को कैसे उगाएं जिससे बासमती की गुणवत्ता बढ़ जाए और दुनिया में हमारे बासमती की कीमत बढ़ जाए, बासमती का हमारा निर्यात बढ़ जाए, भारत को विदेशी मुद्रा बढ़े मिले, भारत आत्मनिर्भर हो, भारत ताकतवर देश हो, भारत की पूंजी बढ़े। इसके लिए आज ये सारा आयोजन किया गया है। आप अंदर जाके देखेंगे तो किसान पिछले 4 घंटे से बिल्कुल ऐसे सीख रहे हैं सारी चीज़ें जैसे बहुत गंभीर होकर सीख रहे हैं, ना फ़ोन यूज कर रहे हैं। और चूंकि 1 बजे लंच का समय था लेकिन लेट हो गए, और किसान चाहते हैं कि लंच हम बाद में कर लेंगे लेकिन पहले बासमती उत्पादन की तकनीकी सीखेंगे। तो ये सारे डॉक्टर रितेश शर्मा जी, डॉक्टर विपिन शर्मा जी, डॉक्टर सचान साहब, डॉक्टर एस के मिश्रा जी, ये सारे लोग जो साइंटिस्ट हैं वो सिखा रहे हैं किसानों को। तो आज का आयोजन इसके लिए ही था कि बासमती की गुणवत्ता अच्छी हो और उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, उसकी कीमत बढ़ाई जा सके। पीडीसी थे जो आगरा के, उनके साथ हमारा यही था कैसे हम संस्था के साथ आसपास के किसान भाई को जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार का भी ध्येय ये है और हमारा भी विश्वविद्यालय जो होता है उसका ध्येय यही होता है कि वो अपने अपने बच्चों और आसपास के क्षेत्र का कैसे विकास करें।
मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।